हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से। शो दैट द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एम साइन वन ओवर एक्स। यहाँ पर लिखा है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर लिखा है ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दिशा से मैं लंबर लाइन बनाता हूँ, ये आपके पास ज़ीरो है। इसका मतलब है जब x की वैल्यू ज़ीरो है एग्जैक्टली, उस वक्त ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो के इक्वल है। लेकिन जब x की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, उसके लेफ्ट या राइट में है x की वैल्यू, उस केस में आपको फंक्शन ये लेना है। ये मतलब है इस फंक्शन का। तो हमें सबसे पहले चेक करना है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। और हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर m है, आप फंक्शन एक बार देख लें, कहा है कि m की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है लेकिन वन से क्या है, छोटी है। तो ऐसे केस में आपको चेक करना है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। और वो पॉइंट दे रखा है जिस पे चेक करना है कंटिन्यूटी, वो है x इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट लिखेंगे, और क्योंकि हम ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ध्यान रखना किस पे चेक कर रहे हैं, ज़ीरो पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस। ज़ीरो माइनस का मतलब है कि जब x की वैल्यू ज़ीरो से जस्ट छोटी हो, ठीक है, उस केस में हमें फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है जो है x की पावर m साइन वन ओवर एक्स, ठीक हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस का मतलब होता है कि x की वैल्यू ज़ीरो से जस्ट छोटी है। तो ज़ीरो से छोटी होने के लिए आप ज़ीरो के साथ क्या करें, एक छोटा सा नंबर माइनस कर दें, वो है h। तो x के साथ जब इसको माइनस करेंगे तो x कितना आ गया आपका, माइनस h। और हमें आप नीचे मेंशन करना पड़ेगा h क्या है, h एक छोटा सा नंबर है जो लगभग कितना है, ज़ीरो है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, माइनस h, और h क्या है हमारे पास, h एक बहुत ही छोटा नंबर है जो लगभग कितना है, ज़ीरो है। तो मैं वापस इसी को कॉपी कर देता हूँ, पर x को रिप्लेस करूँगा मैं माइनस h से। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस h की पावर m साइन वन ओवर माइनस h। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, अब ज़रा इसको देखें, इसको तो मैं अभी के लिए ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब ये देखो, ये साइन, हमें ये पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो इसका माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा साइन वन ओवर एच। अच्छा, इसको देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये माइनस तो ऑलरेडी है। मैं क्या करता हूँ, माइनस वन की पावर, ध्यान से देखना, माइनस वन की पावर m अलग कर देता हूँ और h की पावर m अलग कर देता हूँ, और ये मेरे पास साइन वन ओवर h है। ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपके पास। अब मुझे क्या करना है, अब मैं h की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा। अब ध्यान से देखना क्या पुट करूँगा, मैं h की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा। तो जब h की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा, इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो, ये तो पता लग गया। मल्टीप्लाई, अब क्योंकि हम यहाँ अगर ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो वन ओवर ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, वन ओवर ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो हमें ये चेक करना है कि जो साइन इन्फिनिटी है वो कितना होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइन थीटा है, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी पुट करो। तो इसका मतलब ये है कि साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी
वह माइनस वन से वन के बीच में ही कुछ आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर इसके लिए, हम लिखेंगे कि साइन इन्फिनिटी ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन। हमें फिक्स्ड वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम सीधे ये लिख देते हैं कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो है इसके बीच में ऑसिलेट करती है समवेयर, और ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकालने में, जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, और फंक्शन वही रहेगा एक्स एम साइन वन ओवर एक्स। वही फंक्शन इसलिए रहेगा क्योंकि इसका मतलब है जब x ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आपको ये फंक्शन लेना है। तो इसका मतलब हो गया जब x जो है वो ज़ीरो से छोटा है तो भी यही फंक्शन लो, x जो ज़ीरो से बड़ा है तो भी यही फंक्शन लेना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो लिमिट अब ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू ज़ीरो प्लस h, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, h है, और h कितना है, h लगभग ज़ीरो है। तो लिमिट x इक्वल टू ज़ीरो प्लस h, और नीचे लिखेंगे s टेंस टू ज़ीरो। अब आपके पास जो फंक्शन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू h पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एच एम साइन वन ओवर h। अब h की वैल्यू ज़ीरो पुट करो, तो यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो की पावर m तो ज़ीरो ही होगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। मल्टीप्लाई अंदर साइन क्या होगा, इन्फिनिटी, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन इन्फिनिटी का मतलब है कि एक ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, मतलब ये जो साइन इन्फिनिटी है ये ऑसिलेट करता है माइनस वन और वन के बीच में। इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो ज़ीरो आया, हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो ज़ीरो आया। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, हमारा कंटीन्यूअस है। अब हमें चेक करना है इसकी डिफ्रेंशिबिलिटी सेम पॉइंट पर। अब हमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर डिफ्रेंशिबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ यूं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी है तो उसका फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस, और क्या लिखेंगे ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए आएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर फाइंड कर रहे हैं, अगर वन पे फाइंड करते तो ये एफ वन आता, ओवर नीचे होगा x माइनस ये ज़ीरो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्योंकि हम ज़ीरो माइनस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला फंक्शन लेना है x, क्या है ये x एक्स एम साइन वन ओवर x माइनस। अब ये देखो एफ ज़ीरो, तो f ज़ीरो का क्या मतलब है, जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, यही मतलब है इसका। x की वैल्यू ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो भी तो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो रखेंगे, और x माइनस ज़ीरो कितना हो गया, x हो गया। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ये ध्यान से देखेंगे आप, x टेंस टू ज़ीरो माइनस, x को ऊपर ले आओगे तो ये x की पावर आपको क्या मिलेगा, m माइनस वन साइन वन ओवर x। अब अगर क्वेश्चन में वापस जाएं तो इसमें साफ साफ लिखा है जो m है वो ज़ीरो से तो बड़ा है पर वन से लेस है, m ज़ीरो से बड़ा है वन से लेस है, तो इसका मतलब ये हो गया सब m माइनस वन ज़ीरो, सबको वन से माइनस किया तो इससे आपको पता लग गया कि जो m माइनस वन है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो माइनस वन और ज़ीरो के बीच में लाई करता है, यही मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, साइन वन ओवर एक्स ऊपर ही रहेगा और नीचे मैं इसको वन माइनस एम लिख लेता हूँ। ये समझ में आ गया होगा, यहाँ एक्स की पावर एम माइनस वन थी, अब एक्स की पावर वन माइनस एम है, अब ये पावर पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब
कैसे लिखेंगे? x टेंस टू ज़ीरो माइनस, ये पता होना चाहिए, x टेंस टू ज़ीरो माइनस का मतलब होता है x इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच, और h क्या है हमारा? ज़ीरो है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा साइन x की जगह माइनस एच, तो वन ओवर माइनस एच, x की जगह माइनस एच तो माइनस एच की पावर वन माइनस एम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक? अब ये माइनस है ये तो बाहर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन वन ओवर एच, और नीचे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर वन माइनस एम और एच की पावर वन माइनस एम। अब आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। अब h की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो चीज़ आपको समझनी है। h की वैल्यू ज़ीरो, ये तो पॉजिटिव है, तो h की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा h की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से। इतना क्लियर हो गया? यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ज़रा देखो, माइनस ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी होता है ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट करेगी, और नीचे आपके पास क्या है? ज़ीरो। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया? अब हम राइट हैंड डिफ्रेंशिबिलिटी करेंगे। राइट हैंड डिफ्रेंशिबिलिटी के लिए लिमिट हम लिखेंगे x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, बाकी सब कुछ वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहाँ पर x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस लिखना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा? एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो ओवर x माइनस ज़ीरो। और अभी जब मैं ऊपर आपको लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिबिलिटी बता रहा था तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट की थी एक्स एम साइन वन ओवर एक्स, एफ ज़ीरो आपको पता ही है क्या होता है, ज़ीरो है तो नहीं लिखूँगा, और नीचे क्या है मेरे पास? x। तो क्योंकि m जो है 0 और 1 के बीच में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स एम माइनस वन साइन वन ओवर x, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये चीज़ नेगेटिव है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसको कुछ यू लिख लेते हैं, x की पावर 1 माइनस एम, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। अब हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट x किसके इक्वल है? 0 प्लस h, और h क्या है? टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 1 ओवर h, और नीचे हो जाएगा h की पावर 1 माइनस एम। अब आप खुद ही देखें, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ऊपर तो हो जाता है साइन इन्फिनिटी और नीचे हो जाता है ज़ीरो। साइन इन्फिनिटी जो है ये ऑसिलेट करेगा, साइन इन्फिनिटी के पास ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी बिटवीन माइनस वन एंड वन, और नीचे क्या है मेरे पास? ज़ीरो। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? इन्फिनिटी। तो देखें यहाँ आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ रहा है इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है आपका ये डिफरेंशियबल नहीं है ज़ीरो पर। कंटिन्यूस तो हो गया प्रूफ, लेकिन ये डिफरेंशियबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।